नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। आज हम बात करेंगे बिहार आईटीआई अनुदेशक भर्ती के बारे में। बिहार के सरकारी आईटीआई में अनुदेशक की भर्ती की प्रक्रियाएं चल रही है पिछले 7 सालों से। अब एक दशक होने वाला है और बिहार के सरकारी आईटीआई में अभी तक परमानेंट अनुदेशक की भर्ती नहीं हो पाई है। गेस्ट के भरोसे आईटीआई को चलाया जा रहा है और दिन प्रतिदिन नए नए ट्रेडों का आविष्कार किया जा रहा है। यहाँ पे यहाँ के बच्चे जब आईटीआई करके बाहर निकलते हैं तो उनके हाथों में सर्टिफिकेट के अलावा कुछ नहीं होता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बिहार के सरकारी आईटीआई में अनुदेशकों की भारी कमी है और कमी होने के बावजूद भी नए नए ट्रेड यहाँ पे लाए जा रहे हैं, नए नए पैटर्न लाए जा रहे हैं बच्चों के बीच में, और पढ़ाने वालों वहाँ पे कोई नहीं है। ये मैं नहीं, जो बिहार गवर्नमेंट का जो डेटा है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बिहार के सरकारी आईटीआई में जो परमानेंट अनुदेशक है उनकी संख्या 212 के आसपास है और कॉन्ट्रैक्ट पे 218 के आसपास अभी काम कर रहे हैं। दोनों मिला दें तो 430 के आसपास ये संख्या होता है। वैसे में बिहार के सरकारी आईटीआई में 2400 पद रिक्त है, उसमें से 430 ही अनुदेशक अभी हैं जो परमानेंटली काम कर रहे हैं, बाकी गेस्ट के भरोसे चलाया जा रहा है। अब बिहार सरकार ने और अनुदेशकों का पद को सृजन किया है, जैसे 118 नए व्यवसायिक अनुदेशक का पद आईटीआई में क्रिएट किया गया है कि ये 118 और भी पद वहां पे बहाली के लिए तैयार है। ये पद क्यों किया गया है, ये दिनांक पहले 16 जून को ये नोटिस है और ये जो पद है इसलिए क्रिएट किया गया है क्योंकि नए नए ट्रेड लाए गए हैं आईटीआई में। समय के मांग के अनुसार नए नए ट्रेडों का आविष्कार किया गया है और नए नए ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे जो मार्केट का डिमांड है उसको पूरा किया जा सके। अब यहाँ पे आईटीआई क्या नाम दिया है, ये पीडीएफ है, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा नोटिस है, आप देख लीजिएगा। वो आईटीआई का नाम लिखा गया है, कौन सा ट्रेड वहाँ इंट्रोड्यूस किया गया है और उसमें प्रशिक्षण कितने वर्ष का दिया जाए वो बताया गया है। जैसे नए ट्रेड की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, सोलर टेक्नीशियन, तमाम तरह के ट्रेड यहाँ पर लाए गए हैं। इंटरनेट से रिलेटेड, स्मार्ट सिटी के लिए इंटरनेट स्किल वाला चाहिए उसके लिए भी लाया गया है कोर्स, तो तमाम कोर्स यहाँ पर लाए गए हैं जो फ्यूचर में बच्चों को लेटेस्ट जो डिमांड है उसको पूर्ति किया जा सके। ठीक है, अब नीचे जाएंगे तो जो अनुदेशक की बहाली होने वाली, जो अनुदेशक का पद क्रिएट किया गया है, 118 पद नए क्रिएट किए गए हैं और यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन से व्यवसाय अनुदेशक यहाँ पे आने वाले हैं। जैसे पहला की बात करें, पहले नंबर पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इसके लिए इनकी संख्या 10 रखा गया है। नेक्स्ट है इंटरनेट ऑफ थिंग टेक्नीशियन, के लिए यहाँ पे 10 अनुदेशक की भर्ती होगी, तो यहाँ पे सीटों की संख्या दिया गया, टोटल 118 सीट पे भर्ती होगा। 118 सीट नए अनुदेशक का पद क्रिएट किया गया है, पहले से 2400 था और 118 और ऐड कर लीजिएगा। पे स्केल पुराना वाला ही है, जो ग्रेड वेतन पे है 9300 से लेकर 34,800 और आपको लेवल की बात करें तो 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपए आपको सैलरी के रूप में मिलेगा। अब मेरा सवाल ये है कि जो स्थापना होता है, एक आईटीआई का स्थापना होता है या कोई भी नया ट्रेड क्रिएट किया जाता है, उसमें कितने खर्च होते हैं यहाँ पर दिया गया है, ये संख्या अगर आप काउंट करते हैं मशीनें और उपकरण के लिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000,00,000, 10,00,00,000, करोड़, 5 करोड़ 90 लाख रुपया दिया जाता है मशीन और उपकरण के लिए। एक ट्रेड की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे स्थापना व्यय संबंधी विवरण, 5 करोड़ 90 लाख रुपया मिलता है मशीन को इस्टेब्लिश करने के लिए। वेतन भत्ते के लिए 6 करोड़ 40 लाख दिया जाता है। कार्यालय व्यय के लिए 5,90,000 रुपए दिए जाते हैं। इतने सारे पैसे गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग किया जाता है प्रत्येक आईटीआई को कि आईटीआई को चलाना है। और पिछले 10 सालों से बिहार के सरकारी आईटीआई में अनुदेशकों की भारी कमी है। बच्चे यहाँ के जब आईटीआई करके बाहर निकलते हैं तो कंपनियों उनको कोई जॉब नहीं देता है क्योंकि वो क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाते, उनके अंदर में स्किल नहीं होती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं होता है। सबका कारण यही है कि उनको प्रशिक्षण नहीं मिलता है और प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षित अनुदेशक होना काफी आवश्यक है। भारत सरकार द्वारा CITS कोर्स कराया जाता है कि अनुदेशकों को प्रशिक्षण दिया जाए जिससे वो बेहतर बच्चों को स्किल दे पाए, लेकिन बिहार के दुर्भाग्य है कि यहाँ से आईटीआई करने वाले बच्चों को CITS प्रशिक्षण प्राप्त किए अनुदेशक उनको नहीं पढ़ाते हैं, भारी कमी है। वैसे बिहार में CITS प्रशिक्षण प्राप्त अनुदेशकों की संख्या काफी ज्यादा है,
जिनको सरकार अभी तक इग्नोर कर रही है, उनको जॉब नहीं दे रही है, भर्ती नहीं निकाल रही है, जिसके कारण उनका भी तो एक करियर खत्म हो रहा है, उनका भी एज खत्म हो रहा है, और उनका जो मेहनत था बंगलोर चेन्नई जाकर वो प्रशिक्षण लिए थे उसका भी कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है। केवल और केवल नए ट्रेड आ रहे हैं, अनुदेशक गेस्ट अनुदेशक की भर्ती की जा रही है, गेस्ट अनुदेशक को टाइम पीरियड को बढ़ाया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट वाले का टाइम पीरियड बढ़ाया जा रहा है, लेकिन भर्ती पर किस तरह का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब बात रहा कि ये जो भर्ती होने वाला है इसमें जो ये क्या बोलते हैं, जो हमारे लेबर मंत्रालय है, स्किल्ड लेबर मिनिस्ट्री है, इन्होंने ये बीटीसी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन को दे रखा है कि आप भर्ती लीजिएगा। अब इसके पास समस्या क्या है कि ये विश्व का पहला ऐसा ये कमीशन है, सर्विस कमीशन, जिनको पिछले 6 महीने से ये लगातार एजेंसी खोज रही है कि हमको एग्जाम लेना है, कोई एजेंसी आए और मेरा एग्जाम ले। जबकि इस बिहार में ही हम बात करें तो बीएसपीसीएल बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड 1 महीने पहले फॉर्म निकालती है और 30 दिन के अंदर में एग्जाम ले लेती है, इतना वो फास्ट है। बिहार में और बहुत सारे संस्थाएं हैं जो अपना नोटिफिकेशन निकालती है, बहुत जल्द बहाली प्रक्रिया पूरी कर लेती है, लेकिन ये विश्व का इकलौता ये कमीशन है, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, जिसे 6 महीने से कोई कंपनी ही नहीं मिल रहा है कि इनको एग्जाम कंडक्ट करा पाए, और फिर ये नोटिस निकाले हैं कि मुझे जरूरत है सीबीटी एग्जाम लेने के लिए, कोई इसका टेंडर भरे और मेरा एग्जाम को कंडक्ट करे। अब इसमें कहां पे प्रॉब्लम है ये समझ के बाहर की बात है, क्योंकि सरकार की बात है, सरकार क्या कर रही है, अगर सरकार चाह देती तो 1 महीने के अंदर में सारा काम हो जाए, लेकिन इसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है, हम तो कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जवाब तो मांगना पड़ेगा, और जवाब लेने के लिए आपको इनके कार्यालय जाना पड़ेगा। कार्यालय में तो गेट बंद रहता है, अंदर ये लोग घुसने नहीं देते हैं गेट के अंदर, तो कार्यालय तक पहुंच नहीं पाएंगे हम लोग। अगर संख्या बल ज्यादा रहता है, भारी संख्या में जाएंगे तो हो सकता है वो लोग बताएं सही से। तो कई बार प्रयास किया गया कि इनसे पूछा जाए एक्चुअल कारण क्या है, कारण एक्चुअल कोई भी नहीं बताता है, मंत्री महोदय तक भी अपना साइलेंट रहते हैं, उनसे भी मिलने हम नहीं दिया जाता है, तो तमाम दिक्कत है, सिंगल इंसान कहीं नहीं जा सकता है। इसीलिए तमाम बिहार के जितने भी CITS होल्डर हैं, मुझे लगता है कि इन लोगों में योग्यता नहीं है अनुदेशक बनने का, मुझे यही लगता है, क्योंकि गुटबाजी बहुत ज़्यादा है, केवल ऑनलाइन मीटिंग, ऑनलाइन ट्वीट करेंगे, ट्विटर पे ही सारा काम कर लेंगे, ट्विटर पे ही नौकरी मिल जाएगा, ट्विटर पे ही वेतन मिलेगा, ट्विटर पे ही पढ़ लीजिएगा, सारा काम ट्विटर पर करना है, सोशल मीडिया पर करना है, लेकिन जमीनी स्तर पे नहीं करना है। चेन्नई से, बंगलोर से, बिहार के तमाम अलग अलग जिलों से, भारत के तमाम राज्यों के बच्चे ऑनलाइन आकर जूम पर मीटिंग लेते हैं, और मीटिंग कराने वाले भी बिहार से बाहर रहते हैं, और मीटिंग लेने वाले भी बाहर रहते हैं। यहाँ पे जो पटना में लोग हैं और जिनको पटना आके फिजिकली मिलना चाहिए, वैसा कोई काम नहीं करता है, केवल गुटबाजी और बयानबाजी होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। इसीलिए शायद ये डिपार्टमेंट भी समझ रहा है कि यहाँ के जो CITS लोग हैं उनको ज़रूरत नहीं है जॉब का, इसीलिए लोग भी अपना टाल मटोल कर रहे हैं। बाकी देखिए, हम कुछ कहेंगे नहीं इस मामले पर कि क्या करना चाहिए, क्योंकि कह कह के हम थक चुके हैं, मुझे अब नहीं कहना है। जब भी बुलाया जाए 10-12 लोग आते हैं, 10-12-15 से ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, जबकि बिहार में 3000 प्लस संख्या है CITS करने वालों का, अगर सभी लोग आ जाए तो 2 दिन के अंदर में ये बहाली आ जाएगी, लेकिन ये सब लोग नहीं आएंगे, केवल और केवल यूट्यूब के माध्यम से जानकारी हासिल करेंगे, और इनको पता चल जाता है कि कोई BTC गया है, कोई नियोजन भवन गया है, तो तुरंत 20 बार उसको कॉल करेंगे, क्या हुआ क्या हुआ, लगता है कि ज्वाइनिंग लेटर बढ़ रही है, वो गया उसको ज्वाइनिंग मिल गया, अब आपकी ज्वाइनिंग की बारी है, इसीलिए आप 20 बार कॉल कर देते हैं। तो मैं कड़े शब्दों का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको केवल और नेतागिरी करने के अलावा कुछ नहीं होता है, चीजों को रोकने के अलावा कोई मतलब नहीं होता है, उनको केवल और केवल अपने को लाइमलाइट में लाना है, पेपर में नाम छपवाना है, और उनको बहुत बड़ा बनने का प्रयास करना है। कीजिए, क्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें, हम अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि चीजें सही हो जाए, बाकी सब लोग मेहनत कर रहे हैं, कुछ लोग अच्छे भी हैं जो दिल से लगे हुए हैं, जिनको लगता है कि कुछ करने से हो जाएगा, वो लगे हुए हैं, लेकिन उनको भी कुछ लोग गुमराह कर देते हैं, उनको भी कुछ लोग लिखा पढ़ा के राजनीति या पॉलिटिक्स में फंसा देते हैं, उनको उनको भी यूज किया जाता है।
तो ऐसे यूज करने लोगों से बचिए और अपने अपने से मेहनत करके पहुंचिए, जहां आपका अधिकार है, जहां आपका मांग है, हक है, वहां पर मांगिए। मंत्री महोदय से मिलिए, उनसे मिलना बहुत जरूरी है, उनको बताना बहुत जरूरी है कि बहुत दिक्कत है। उनको जब मिलकर बताइएगा शायद कुछ हो सकता है। तो चलिए, ये सूचना था जो आप लोगों को बता देना चाहिए था, बता दिया मैंने। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, फिर कभी ऐसा वीडियो आया तो आपको जरूर बताएंगे। अभी के लिए इतना ही था, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।